अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सहोदरा थाना क्षेत्र के कामता कॉलोनी में जमीनी विवाद में चाकूबाजी, आधा दर्जन घायल। जमीनी विवाद में जमकर चली चाकू, घटना के करीब 3 लोग घायल हो गए हैं। मामला सहोदरा थाना क्षेत्र के कामता कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां जमीनी विवाद में चाकूबाजी से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। वहीं डॉक्टर ने बताया कि अभी स्थिति सामान्य है। इधर सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस ने मामले की छानबीन में जुट गई है। मामले में अर्जुन मंडल द्वारा शिकारपुर पुलिस को अपना फर्द बयान दिया है। गांव के पवन कुमार मालाकार, तपोस कुमार मालाकार के साथ बेहरी रामपुर निवासी ज्योति देवी को आरोपित किया है। जमीन के विवाद में लफड़ा हुआ है और अचानक से एक आदमी आके तापस कुमार मालाकार आके हम लोग पे चाकू, मेरा भैया पे चाकू के हमला किया है। उसका नाम अर्जुन मंडल है। उसके साथ अब मेरा मम्मी का भी जख्म हुआ है, मेरा भाभी को भी चोट लगा है, मेरे को भी हाथ में मारा है और अभी तत्काल मेरा भैया का अनुमंडल सरकारी अस्पताल में भर्ना हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक कुमार मंडल है और मेरा भाई का नाम अर्जुन कुमार मंडल है। सुभद्रा थाना का यहाँ इलाज के लिए आया है। इलाज के बाद पेशेंट की स्थिति संतोषजनक है, स्थिर है। इलाज के बाद उसको वापस कमता घर या फिर शिकारपुर थाने भेजा जा रहा है। इस क्रम में थाने को शिकारपुर थाने को सूचित किया जा चुका है। सरकार वजन में थरवट की लड़कियों में छूट दें, हम भी पुलिस बन देश की सेवा करना चाहते हैं। पश्चिमी चंपारण के थरवट बहुल इलाकों की लड़की अपनी घर छोड़ अब देश के शहर के तरफ अपने जिलों में जज्बा लिए निकल पड़ी हैं। दर्जनों की संख्या में लड़कियां प्रतिदिन फिजिकल ट्रेनिंग इस बात के लिए ले रही हैं ताकि आर्मी और पुलिस बनकर माँ बहनों को महफूज रख सकें, जिसको लेकर लड़कियां शोल्डर एकेडमी में फिजिकल प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। लड़कियां ट्रेनिंग लेकर बिहार पुलिस में जाना चाहती हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि सरकार द्वारा इस वर्ष 200 से 250 ग्राम वेट कम होने को लेकर कई अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो सका है, जिससे नाराज कुछ अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार आए दिन महिला उत्थान के लिए कार्य करती है, लेकिन महज चंद वजन को लेकर महिला अभ्यर्थियों का सपना चकनाचूर हो जा रहा है, जिससे नाराज अभ्यर्थियों ने सरकार से नियमित वजन को हटाने की मांग की है। वजन घट व बढ़ सकता है ताकि अभ्यर्थियों का सपना चकनाचूर न हो। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, पहाड़ी इलाके होने के कारण हम लोगों का कद और वज़न में कमी आती है। सरकार से यह भी मांग रखा है कि यदि फिजिकल ट्रेनिंग के लिए कुछ और समय मिल जाए तो हम लोग उस मानक में शामिल हो सकते हैं। यह सभी जानते हैं कि थरवट की लड़कियां काफ़ी मेहनती होती हैं। बहाली के समय इन लड़कियों के लिए हाइट या वज़न को विशेष महत्व नहीं दिया जाए तो बाकी प्रक्रिया से आसानी से निपट सकती हैं।